तुम्हें ऐसे सैनिक चाहिए चंद्रगुप्त, जिसकी धमनियों में सौदा नहीं क्रांति दौड़ रही हो। एक ऐसी सेना जो इस उद्देश्य के लिए अपने प्राण दाव पर लगा दे, जो अपने रक्त की अंतिम बूंद तक मातृभूमि के लिए, अखंड भारत के स्वप्न के लिए तुम्हारे लिए लड़े। किंतु आचार्य, हमें ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? ऐसी निष्ठा, ऐसा जोश हम लोगों के अतिरिक्त तो और किसके पास होगा? है उन लोगों में जिनके तुम उत्तराधिकारी हो चंद्रगुप्त, पीपली वन के क्षत्रिय। पीपली वन के क्षत्रिय? किंतु उन्हें तो पीपली वन के विध्वंस के समय ही धनानंद ने समाप्त कर दिया था ना? मिथ्या बात है ये, असत्य है। वो असत्य जो स्वयं धनानंद ने संसार में फैलाया। वो चाहता था संसार इसी को सत्य मान ले, परंतु मुझे सेनापति मत्सल देव ने बताया था, पीपली वन के विध्वंस के पश्चात धनानंद ने वहां से 1000 सैनिकों को बंदी बनाया था। ये वो 1000 सैनिक हैं चंद्रगुप्त, जिनके हृदय में वही साहस और वही प्रतिकार की भावना है जो तुम्हारे हृदय में है। यदि अब भी उन सैनिकों के हृदय में वही अग्नि प्रज्वलित हुई तो एक एक सैनिक धनानंद के 100-100 सैनिकों पर भारी पड़ेगा। आज 12 वर्ष पश्चात उन 1000 सैनिकों में से जो भी बचे हैं, यदि हम उन्हें अपने साथ मिला लें, तो एक ऐसी सेना का निर्माण हो जाएगा चंद्रगुप्त, जो धनानंद का अंत कर देगी। आप निश्चिंत रहे आचार्य, मेरे पिपली वन के क्षत्रिय सैनिक मगध में जहां कहीं भी होंगे, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और फिर खड़ी होगी धनानंद के विरुद्ध हमारी अपनी सेना। आज राजकोष में नई मुद्राएं आई थी, पर रक्त लगा हुआ था। मैंने सैनिकों को बात करते हुए केवल इतना ही सुना था, ये स्वर्ण श्रमिकों के पसीने से नहीं, सम्राट के पुराने शत्रुओं के रक्त और हड्डियों से निकाला गया। चंद्र, कहीं वो पृथ्वीवन के क्षत्रियों के तो विषय में बात नहीं कर रहे थे? मैं उन बग्घियों का पीछा करूंगा जिनमें उस स्वर्ण लाया गया था, ताकि मैं उस स्थान का पता लगा सकूं जहां से वो स्वर्ण आ रहा है। क्या आचार्य चाणक्य को तुम्हारी इस योजना की जानकारी है? उन्हें इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं। मुझे शीघ्र ही आचार्य चाणक्य को सूचित करना होगा। साधो, वो देखो उधर उस पक्षी को, वो भिन्न है क्योंकि वो एक दूत है। निश्चिंत रहिए महामहिम, जब से आपका धन चोरी हुआ है तब से महल के आसपास के सभी दूत पक्षियों का पीछा किया जा रहा है। उत्तम, फिर तो केवल उसको पकड़ना होगा जिसने उस पक्षी को भेजा है। गुप्तचर के रूप में आचार्य चाणक्य तुम जैसी सुंदरियों में भी रुचि रखते हैं। आचार्य चाणक्य के बारे में ऐसे निम्न स्तर की बातें करते हो, तुम्हें लज्जा होनी चाहिए। बदला हुआ स्वर मेरे संदेह की पुष्टि करता है कि तुम ही चाणक्य की गुप्तचर हो। क्या है ना, आज मेरे सारे दांव सही पड़ रहे हैं। मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा और वो सीधे निशाने पर आकर लगा। अब शीघ्र ही वो
चोर चाणक्य पुनः मेरे सम्मुख होगा और उसके अंत के साथ उसकी प्रतिज्ञा, अखंड भारत की रचना, मेरे स्थान पर किसी अन्य भावी सम्राट को बिठाने का उसका स्वप्न सबका अंत करेगा। ये धनानंद। हम महल और नगर से बहुत दूर आ गए हैं, पता नहीं क्या है यहाँ। यहाँ तो कड़ा सुरक्षा चक्र है, मुझे किसी अन्य स्थान पर छिपना होगा। महल से इतनी दूर, इतनी सुरक्षा, कहीं यहाँ भी धनानंद का कोई गुप्त धन तो नहीं है, जहाँ से वो मुद्राएं महल तक पहुँचाई गई हो। प्रतीत होता है कि ये वही स्थान है जहाँ पे प्लीवन की क्षत्रियों को धनानंद ने श्रमिक बनाकर रखा हुआ है। मुझे और निकट जाकर देखना होगा। जानती हो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? मेरे सैनिक तुम्हें जलते हुए कोयले में डालकर तुमसे चाणक्य की सारी जानकारी निकलवाएंगे। तुम्हें इतनी यातनाएं देंगे कि तुम स्वयं सब कुछ उगल दोगी। उसने मेरा चुराया हुआ धन कहां छिपाया है और वो शिष्य कौन है जिसके साथ मिलकर वो मेरे प्रति षड्यंत्र कर रहा है, सब कुछ कुछ कहोगी तुम अपने इन प्यारे होठों से। जो कई यातनाओं के पश्चात तुम मेरे मुख से सुनना चाहते हो वो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि तू एक धूर्त है, एक पौरुषहीन राजा है। शीघ्र ही भारत का भावी सम्राट उठेगा और तुझे अपने पैरों तले कुचल कर स्थान लेगा। तुम्हें तो मुक्ति मिल गई, किंतु फिर भी वो चाणक्य नहीं बचेगा। शीघ्र ही मेरे सैनिक उस दूत तक पहुंच जाएंगे जिसके द्वारा तुम उस चाणक्य को संदेश पहुंचाती थी। सुनाना, तुम जहां कहीं भी हो चाणक्य, मैं शीघ्र ही तुम्हारा और तुम्हारी प्रत्येक योजना का पता लगा लूंगा। धनानंद के अपार धन का रहस्य, एक अनंत स्वर्ण की खान। महाराज चंद्रवर्धन की जय हो। मेरे सैनिक पिताश्री को स्मरण करके अपने प्राण त्याग रहे हैं, अब और नहीं, मैं उन्हें जीवन दूंगा, आशा दूंगा, यहाँ से बाहर निकालूंगा। उस ध्वज की मृत्यु से इस दास को इतना विचलित होते देख मुझे भी अमात्य के संदेह पर विश्वास होने लगा है। ये दास ही सारी समस्याओं का जनक है, बिना समय गवाए इसका अंत करना होगा। ऐसा ही होगा,
किंतु स्मरण रहे, ये दास सम्राट का प्रिय है, इसकी मृत्यु एक दुर्घटना ही प्रतीत होनी चाहिए। आपके आदेश के पालन में हम कभी विफल नहीं हुए हैं प्रभु, इस बार भी ऐसा ही होगा। जैसा आप चाहेंगे, आप निश्चिंत रहें। उचित है, मैंने अन्य सभी रक्षकों को बाहर की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया है, और मैं स्वयं ध्यान रखूंगा कि जब तक मैं ना कहूं उनमें से कोई भी भीतर ना पाए, ताकि तुम्हारा मार्ग साफ रहे और वो दास आज रात ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ना मृत्यु से भय, ना जीवन से प्रीत, विजय या वीर गति, यही है पिपलीवन की रीत। पिपलीवन के क्षत्रियो, ये शब्द केवल शब्द नहीं, इनमें वो शक्ति है जो तुम्हारे भीतर छिपे मनोबल को पुनः जागृत कर सकती है। इस खान में तपते सोने ने अब तक तुम्हारे रक्त को ठंडा नहीं होने दिया है, इसलिए स्मरण करो, इस यातना को, इस अपमान को, इस शोक और दुख को, और इन्हें ईंधन बनाओ अपने प्रतिशोध की भट्टी का। कहो मेरे साथ, ना मृत्यु से भय, ना जीवन से प्रीत, विजय या वीर गति, जाइए पिपलीवन की रीत, जाइए पिपलीवन की रीत। मैं मुक्त करूंगा तुम सबको यहां से, मैं दूंगा तुम सबको आशा की किरण, ये मेरा वचन है तुम सबसे। इस खान में सड़ रहे कीड़ों के लिए यदि सबसे हानिकारक कुछ है तो वो है आशा। यदि इन्होंने आस की तो ये कल्पना करने लगेंगे कि इस यातना का, इस पीड़ा का अंत संभव है, और एक उज्जवल भविष्य में विश्वास करने लगेंगे। एक ऐसा भविष्य जो वास्तविकता में है ही नहीं। हम यहाँ 12 वर्षों से मर रहे हैं और हम इस वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। हमें ज्ञात है कि हम यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे, और इस वास्तविकता को तुम जितनी शीघ्रता से सत्य मान लोगे तुम्हारे लिए उतना ही उचित होगा। और अग्निमुख की ये बात सदैव स्मरण रखना बालक, कि किसी को कभी ऐसा कोई भी वचन मत देना जिसे तुम निभा ना पाओ। अग्निमुख पीपलीवन का सबसे चपल तलवारबाज था। उसकी तलवार की धार अग्नि के समान घातक और बिजली से भी तेज थी। जितना तीव्र उसका क्रोध था, उतना ही तीव्र और प्रभावशाली उसका प्रहार भी था। प्रतीत होता है कि यहाँ के लोग भी तुम्हें कुछ अधिक पसंद नहीं कर रहे, तो चलो तुम्हें एक ऐसे स्थान पर भेजता हूँ जहाँ तुम निश्चिंत और एकांत में रहकर कार्य कर पाओगे। इस खान की गहराई में किंतु वहां तो बहुत अंधेरा होगा, मैं काम कैसे करूंगा? अग्निमुख, अग्नि का स्रोत दो इसे, जीवित रह पाएगा तभी स्वर्ण निकाल पाएगा। अब चलो बालक। आशा है कि चंद्र ठीक होगा। धूलभद्र, महल में प्रवेश की तुम्हारी योजना क्या है? आचार्य, हम इस ओर से एक सुरंग बनाकर महल के इस भाग में प्रवेश करके उन पर आक्रमण कर सकते हैं। इस दिशा में यहां सुरंग बनाओ। भली भांति सोच लिया? जी आचार्य। स्थूलभद्र, महल के इस ओर एक नदी बहती है, उस नदी में से सुरंग कैसे संभव होगी?
ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ आचार्य, मेरा ध्यान कहीं और ही है। चंद्रगुप्त की चिंता मुझे हर क्षण सता रही है। वहाँ उस भयंकर स्थान पर उसके सकुशल ना होने का विचार मुझे व्याकुल कर रहा है आचार्य। जब जब तुम्हें चंद्रगुप्त की चिंता सताए, तब तब ये स्मरण कर लेना कि किन विषम परिस्थितियों से जूझ कर, किन कठिनाइयों, किन बाधाओं का सामना करके चंद्रगुप्त ने हर बार स्वयं को एक नए आत्मविश्वास, नई ऊर्जा, नए शौर्य के साथ उबारा है। हर कठिनाई, हर बाधा ने उसे पहले से अधिक सशक्त और बलशाली बनाया। खरा सोना है चंद्रगुप्त, और जब वो इस सोने की खान के परिश्रम से इसकी यातनाएं झेलकर बाहर निकलेगा तो कुंदन बन चुका होगा। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम हो, बड़ी से बड़ी कठिनाई और बाधा उसके सामने क्यों ना हो, उसे स्वयं को और पीपली वन के उन क्षत्रियों को उन सभी बाधाओं से मुक्त करना होगा। इस धर्म युद्ध में चंद्रगुप्त के समक्ष अब केवल दो ही विकल्प शेष हैं, विजय श्री या वीर गति। ढूंढो उसे, यहीं कहीं छुपा होगा। कालदूत पाखी की भविष्यवाणी पूर्ण, खेद है मुझे। सम्राट का प्रिय दास एक दुर्घटना में मारा गया। का कथन उचित था। तुम ही सारी समस्या के जनक हो। जो तुमने किया है उसका दंड अब मैं तुम्हें दूंगा।